नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यह वीडियो देखने के लिए बैठे हुए हैं, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभार हूं। सबसे पहली बात है, हम यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो भी कुछ सुन रहे हैं उसे खुला दिमाग से सुनिए, खुला दिमाग से उसे सोचिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई डब्बा में बहुत पुराना अचार पड़ा हुआ है, हो सकता है वह बहुत ही सड़ा है, गला है, काम लायक नहीं है, और उस डब्बा में आप कोई नई चीज रखना चाहते हैं, हो सकता है आप अमृत की धारा रखना चाहते हैं, हो सकता है आप उसमें मधु रखना चाहते हैं, दूध ही रखना चाहते हैं, तो जब तक आप उस डब्बे के ढक्कन को आप खोलेंगे नहीं, तब तक वहां पर कोई नई चीज आप नहीं रख सकते, चाहे वह नई चीज बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसको आप वहां पर रख नहीं सकते जब तक आप ढक्कन नहीं खोलते, उसको खोलते नहीं, उसको जाने के लिए प्रवेश नहीं देते। उसी तरह अगर नए विचारों को, नए दर्शन को हम अपने दिमाग में जाने के लिए प्रवेश नहीं देते हैं, तो चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हमारे दिमाग में जा नहीं पाते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम सब जो भी कुछ बातें कर रहे हैं उसे खुला दिमाग से कम सुनिए और उसे अमल कीजिए। उसे ग्राह्य करना न करना वह आपका फैसला है, लेकिन कम से कम हम खुला दिमाग से सुने। दूसरी बात है, हम सभी अपनी अपनी सोच में, अपनी सोच के दायरे में घिरे हुए, अपनी परिस्थिति के दायरे में घिरे हुए हैं। मान लीजिए हम एक बक्से में बंद हैं, हमारी सोच जो है वह एक बक्से में बंद है, उस दायरे से हमें बाहर निकलना होगा, उस दायरे से, उस बक्सा से बाहर निकलकर हमें देखना होगा, तभी हम पूरी दुनिया को देख सकेंगे, नहीं तो हम उस डब्बे के भीतर में ही रह जाएंगे, हम अपनी सोच के बक्से में ही कैद रह जाएंगे। तो हमें अपनी सोच की वह कैद से, हमें अपनी सोच की वह बक्सा से बाहर निकलकर सोचना होगा, बाहर निकलकर देखना होगा, बाहर निकलकर सुनना होगा, और तभी हम एक सत्य की ओर बढ़ सकते हैं, तभी हम एक यथार्थ की ओर बढ़ सकते हैं, और सामूहिक रूप में हम सब मधेश की सेवा के लिए जो सही मार्ग है उसे अपना सकते हैं। तीसरी बात है, आप ये नहीं सोचिए कि यह किताब मेरे पास तो मौजूद ही है, यह वीडियो मेरे कंप्यूटर में ही है, मेरे मोबाइल में ही है, क्योंकि यह ज्यादा मायने नहीं रखता। आपके पास होना यह ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि मान लीजिए आप पूरे जीवन में आप जितने किताब पढ़े होंगे, उन सारे किताबों को आजकल 200-300 रुपया के मेमोरी कार्ड में रखा जा सकता है, तो यानी उसका वैल्यू 200-300 रुपया से ज्यादा नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि आपने उसे पढ़ा, सुना कि नहीं, देखा कि नहीं, उस पर आपने अमल किया कि नहीं, उसे आप अपनी जिंदगी में लागू किया कि नहीं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके कंप्यूटर में होना, आपके मोबाइल में होना, आपके पास किताब होना, यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसीलिए अभी के अभी हम सब कुछ नई बातें सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ नई बातें जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो चीज उपयुक्त है, जो चीज सही है, उसे हम अपने जीवन में लागू करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो यह बात सोचकर ही हमें आगे बढ़ना होगा।